हेलो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं सीमेंस कंपनी का एसीवी और इस एसीवी के अंदर हमारी क्या क्या कॉइल लगे हुए हैं वो हम बताएंगे आपको। एसीवी के अंदर बेसिकली हमारी अंडर वोल्टेज कॉइल, सेंट कॉइल, क्लोजिंग कॉइल और मोटर लगी होती है वो स्प्रिंग की चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा है एसीवी का कवर, ये एसीवी का कवर है। इस कवर के ऊपर सभी डिटेल लिखी होती है कि आपके क्या क्या इसके अंदर मटेरियल या स्विच गियर लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीमेंस कंपनी के मॉडल नंबर जान लेते हैं। ये हमारा मॉडल नंबर 3WJ11 12 2AF52 4DG1। ये दोस्तों मॉडल नंबर है, इसी मॉडल नंबर से हमारा एसीवी को परचेज किया जाता है। और दोस्तों फ्रंट में देख लेते हैं हम, एक क्लोज पुश बटन है और एक है ओपन पुश बटन। क्लोज पुश बटन का मतलब होता है हम एसीवी को ऑन करने के लिए हम इसको पुश करते हैं, और जो ओपन का मतलब होता है हम एसीवी को ट्रिप करने के लिए या ऑफ करने के लिए हम इसको पुश करते हैं। और फ्रंट पे आप देखोगे आप, यहाँ पे रेडी का है और यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज का है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट्स अभी जीरो है, जीरो का मतलब ये ऑफ पोजीशन पे है। अगर यहाँ पे वन आ जाएगा तो ये ऑन पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज का ऑप्शन है, ये जब ये स्प्रिंग चार्ज होगा तो येलो कलर का इंडिकेशन आ जाएगा और अगर डिस्चार्ज होगा तो ब्लैक कलर का। ठीक है, और ये रेडी का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे अगर जब हमारा स्प्रिंग चार्ज रेडी हो जाता है। ठीक है, और ये है दोस्तों स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल, इसको हम मैनुअली स्प्रिंग चार्जिंग के लिए हमारा ये स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल दे रखा है। और दोस्तों इसके ऊपर देखेंगे आप तो ये टर्मिनल कनेक्शन है हमारे मोटर के, अंडर वोल्टेज कॉइल के, सेंट कॉइल के और क्लोजिंग कॉइल के। ठीक है, और हमारे यहाँ पे NONC कॉन्टैक्ट के। ठीक है, तो दोस्तों अब इस कवर के सामने ये भी है एक ट्रिप, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रिप ये रिलीज है जो कि चार पाँच तरीके के फॉल्ट से हमारे एसीवी को प्रोटेक्ट कराती है। इसमें आप देख सकते हैं L4 मतलब लॉन्ग टर्म फॉल्ट, L शॉर्ट टर्म फॉल्ट, ये इंस्टेंटेनियस और ये ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, ये LSIG हमारी ये प्रोटेक्शन है इसमें एसीवी के। ठीक है, अब हम इसके इंटरनल में देखेंगे। पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने एम्पियर का ये एसीवी है। तो सबसे पहले ये हमारा एम्पियर का जो एसीवी है वो है 1250 एम्पियर का। ठीक है, अब हम इसका इंटरनल व्यू चेक करेंगे कि इंटरनल व्यू में हमारे क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर को ओपन कर लेते हैं, हैंडल को नीचे करेंगे और इस कवर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इंटरनल व्यू आपके सामने है एसीवी का। हमने आफ्टर कवर को ओपन करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल हो गया। ठीक है, ये मैकेनिकल स्प्रिंग चार्जिंग मोटर हो गई। ठीक है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। जब हम एक बार इसको क्लोज कमांड देंगे तो दोबारा ऑटोमेटिकली हमारा ये स्प्रिंग चार्ज को कर देगा ये मोटर। ठीक है, ये मोटर के थ्रू क्या हमारा स्प्रिंग चार्ज होता है। ठीक है, और ये हमारी है क्लोजिंग कॉइल, ये हमारी सेंट कॉइल, ये हमारी अंडर वोल्टेज कॉइल। ठीक है, इसके कनेक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे करने के लिए। इससे कनेक्शन की जो टर्मिनल है वो हमारे इस कवर पे भी लिखे हुए हैं, दिखा देता हूँ आप। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये ST/F2 दे रखा है ये हमारा है सेंट कॉइल, और 24 वोल्ट DC की है जो कि है X7K7 नंबर पे नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और X7K8 नंबर हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये 24 वोल्ट DC की है तो इसमें 24 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करके लगाना होगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं UBR। ये UBR मतलब अंडर वोल्टेज रिलीज, ये AC DC दोनों है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC DC दोनों है, जिसका टर्मिनल कनेक्शन है हमारा X7 का हमारा 3 और 4। ठीक है, X7 का 3 और 4 पे हमारा अंडर वोल्टेज कॉइल के कनेक्शन होंगे। और ये हम देख लेते हैं, ये हमारा है क्लोजिंग कॉइल जो हमारी है 220 वोल्ट AC DC दोनों है, और इसकी जो कनेक्शन होंगे X7 के 9 और 10 पे। ठीक है, X7 के 9 और 10 पे। ये M4 मतलब होता है मोटर, ये मोटर कनेक्शन है हमारे X7 के 1 और 2 पे। ठीक है, ये हमारे मोटर भी हमारी AC DC दोनों है। ठीक है, ये आप जान गएंगे इसके कनेक्शन अंडर वोल्टेज कॉइल के, सेंट कॉइल के और क्लोजिंग कॉइल के और मोटर के। ठीक है, तो आइए अब इसके अंदर दिखाते हैं हम एसीवी के अंदर। देखिए आवाज़ आते हैं, ये हमारे क्लोजिंग कॉइल हो गया, इसके कनेक्शन हमारे X7 पे जा रहे हैं, ये हमारा सेंट कॉइल हो गया, इसके भी हमारे कनेक्शन X7 पे जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे मोटर कनेक्शन हो गए, ये हमारे X7 पे जा रहे हैं। जो ये X6 पे है ये हमारे NONC है। ठीक है, मतलब NONC कॉन्टैक्ट है। ठीक है,
तो दोस्तों ये इंटरनल व्यू था हमारा एसीवी का और इंटरनल स्विचगियर थे कि क्या क्या हमारे इसके अंदर लगे होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हम आपको देना चाहते थे ताकि आप भविष्य में कभी ना भूलें इसके कनेक्शन के बारे में। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है और ऐसे ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।